इस वीडियो में हम लोग जानेंगे MBO-104LD, जो कि एक मिल्किंग पंप है, अगर उसके वेंस घिस जाते हैं तो हम उनको कैसे चेंज कर सकते हैं। वेंस चेंज करने के लिए हमें कुछ ज़रूरी टूल्स चाहिए और नए वेंस चाहिए। टूल्स में हमें रिक्वायरमेंट होगी एक 5 KLM की, एक सीलेंट और एक वैक्यूम गेज की। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें बॉडी प्लेट को खोलना है। बॉडी प्लेट में आगे की तरफ 3 एलन बोल्ट्स लगे हुए हैं, जिनको हम 5 की एलंकी की मदद से खोल लेंगे। बॉडी प्लेट में लगे हुए एलन बोल्ट खुल चुके हैं और अब हमारी बॉडी प्लेट बॉडी से अलग हो चुकी है। इसके बाद आती है वेंस को बाहर निकालने की। वेंस को हम हाथ से खींच के रोटर से बाहर निकाल लेंगे। वेंस बाहर आ जाने के बाद हमें उसमें डालने हैं नए वेंस। नए वेंस डालते वक्त ध्यान रखें कि जो वेन में टेपर वाला हिस्सा है वह रोटर में बाहर की तरफ रहना चाहिए, और हमेशा आपको फाल्कन के जेन्युइन वेंस ही इस्तेमाल करने हैं, ताकि आपको प्रॉपर वैक्यूम और फ्लो मिले और आपके पंप में कोई दिक्कत ना आए। अब हम रोटर के अंदर नए वेंस डाल देंगे। नए वेंस डाल देने के बाद बॉडी के ऊपर हमें थोड़ा सा सीलेंट लगाना है, ताकि अगर किसी प्रकार का लीकेज है तो वह ना हो। सीलेंट हमारा लग चुका है, अब हम बॉडी के ऊपर बॉडी प्लेट लगा देंगे और उसको एलन बोल्ट की मदद से एलंकी द्वारा कस देंगे। हमारे वेंस चेंज हो चुके हैं और बॉडी प्लेट बॉडी में अच्छी तरीके से टाइट हो चुकी है। वेंस चेंज करने के बाद हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ऑयल है बोतल के अंदर वह अच्छी क्वालिटी में हो, जला हुआ ना हो और हमारी बोतल 1/3 कम से कम भरी हो। अब बारी आती है वैक्यूम चेक करने की। वैक्यूम चेक करने के लिए हम वैक्यूम गेज लेंगे और उसको नोज़ल के ऊपर लगा देंगे। वैक्यूम गेज के अंदर जो रीडिंग है वह हमारी आनी चाहिए 25 इंच Hg। जैसे कि यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है, हमारी रीडिंग आ रही है 25 इंच Hg। तो हमारा पंप जो है वो बढ़िया तरीके से काम कर रहा है और इस्तेमाल के लिए तैयार है।